हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ सिविल या फिर जनरल इंजीनियरिंग के नाम से, तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम कंक्रीट है, तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है 2021 का, और आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, तो इसीलिए उसी के पर्पज़ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपसे मिस ना होने पाए, बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और देखिए, इसका जो PDF है आप टेलीग्राम पर अपलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जो आप टेलीग्राम पर ID डालेगा पॉलिटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से डालेंगे, तो वहाँ से आपको जिस प्रकार से लोगों इसमें हमने लगाया है वहाँ पर भी उसी टाइप से लगा है। तो चलिए बात करते हैं कंक्रीट। तो देखिए, कंक्रीट क्या होता है पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में, तो फिर इसके क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, कंक्रीट क्या होता है, देखिए आपने भवन निर्माण में या फिर घर के निर्माण में या फिर सड़क के निर्माण में आपने RCC सुना होगा, RCC सड़क। तो जो RCC सड़क बनाई जाती है वो कंक्रीट के द्वारा बनाई जाती है, या फिर आपका जो जैसे लिंटर डालने होता है घर पे, तो कंक्रीट के द्वारा हम करते हैं। जैसे क्या करते हैं, कंक्रीट में क्या क्या होता है, सीमेंट होता है, और सीमेंट के साथ और क्या मिलाते हैं हम, पानी होता है, पानी तो होगा ही, पानी वाटर ले लो, और इसके साथ गिट्टी मिलाते हैं ना, गिट्टी पता है ना, गिट्टी, तो गिट्टी उट्टी मिला करके हम सारी चीज़ें जो हम करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपका लिंटर ढलाया जाता है तो मशीनें आती हैं, मतलब तो वही उसी के हिसाब से मतलब लिंटर ढाला जाता है, तो वही सब सारी चीज़ मतलब कंक्रीट होती है, मतलब कंक्रीट वही चीज़ होता है। और आपको थोड़ा सा और बता दें कंक्रीट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी गड्ढा उड्ढा, मतलब किसी का गड्ढा उड्ढा बन रहा फेलेस वाला गड्ढा, तो उसका जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, ढक्कन, तो वो भी कंक्रीट का ही ढाला जाता है, तो वही सब सारी चीज़ें कंक्रीट होती है। और बाकी देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। देखिए, इसके पहले हम बता दें आपको, इसके पहले जितने चैप्टर हैं जो थर्मल इंजीनियरिंग का जो चैप्टर था, उस ऊर्जा के स्रोत या फिर और उसमें था ईंधन, द्रव्यों में ईंधन, और इसके बाद था आपका क्या कहते हैं, पिन कटर नकल जोड़ और सारे जो चैप्टर इसके थे, फाउंडेशन का चैप्टर था, और इसमें कौन सा था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो सारे चैप्टर को हमने करा दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा सारे चैप्टर को। तो देखिए, कंक्रीट क्या होता है, देखिए कंक्रीट एक निर्माण सामग्री पदार्थ है जो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि कंक्रीट एक निर्माण सामग्री पदार्थ है जो बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए दिया गया सीमेंट से, ऑप्शन बी दिया गया बालू से, ऑप्शन सी दिया गया सीमेंट और निष्क्रिय पदार्थों से, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपने कंक्रीट को बनते हुए देखा भी होगा, यदि आपका भवन या घर वर बन रहा होगा तो उसमें देखिए सीमेंट मिलाया जाता है और निष्क्रिय पदार्थ मतलब पानी हो गया, और उसके क्या कहते हैं उसमें गिट्टी मोरंग ये सब सारी चीज़ें होती ना, तो वही सब निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। तो सीमेंट व निष्क्रिय पदार्थ को जब हम मिलाते हैं आपस में तो हमारा कंक्रीट का निर्माण होता है। तो इसमें जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सीमेंट व निष्क्रिय पदार्थों से हम कंक्रीट का निर्माण करते हैं। तो अच्छा, कंक्रीट का निर्माण क्यों किया जा रहा है, देखिए कंक्रीट का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी चीज़ इसके द्वारा हम बनाते हैं, कंक्रीट में देखिए एक गुण होता है कि इस पर आप जितने पानी डालेंगे, इसमें जितना आप पानी डालेंगे ना, वो उतना ही ठोस होता जाएगा, उतना ही मजबूत होता जाएगा, तो इसीलिए कंक्रीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब पदार्थ है, एक प्रकार से महत्वपूर्ण मटेरियल है, तो इसलिए कंक्रीट का निर्माण किया जाता है ताकि हमारे जो भवन बने या फिर क्या कहते हैं और कुछ भी चीज़ें बने तो सारी चीज़ें मजबूत बने। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्या है, इसमें कि सीमेंट कंक्रीट में महीन मिलावट के रूप में यूज़ करते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट में हम महीन मिलावट के रूप में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पहला ऑप्शन है बालू, दूसरा ऑप्शन है पत्थर, तीसरा ऑप्शन है ईटा, और डी वाला क्या है, सभी। तो देखिए, महीन मिलावे का मतलब समझ रहे हो ना, महीन चीज़ होना चाहिए, तो अब देखिए पत्थर तो होगा नहीं, ईटा भी नहीं होगा, सभी तो हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे महीन मिलावे के रूप में हम सीमेंट में बालू का यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम बालू मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं, और क्या कहते हैं गिट्टी मिला करके, पानी वानी मिला करके हम सारी चीज़ें करते हैं,
मतलब अगर ढक्कन डालना हो ढक्कन डाल देते हैं, तो इस अगर छत की लिंटर डालना वाले लिंटर डाल देते हैं, सारे जो है आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो इसका महीन मिलावट के रूप में हम यूज़ करते हैं सीमेंट कंक्रीट में, वो बालू का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कि सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावट के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए मोटे मिलावट के रूप में यूज करते हैं मतलब क्या हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन में कुछ ना कुछ दिया होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है पत्थर की मिट्टी, ऑप्शन बी दिया गया है बालू, ऑप्शन सी देगा मिट्टी, और ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी का तो हम यूज़ करते नहीं हैं, बालू का यूज़ करते हैं, पर किस रूप में, जब हम उसको महीन मिलावे में मतलब सीमेंट कंक्रीट को जब महीन मिलावा करते हैं तब बालू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला भी नहीं हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कि पत्थर की गिट्टी। तो मोटे मिलावे के रूप में हम सीमेंट कंक्रीट में पत्थर की गिट्टी का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को शेयर करते चलें, ताकि हमारी जो फैमिली थोड़ा सा और बड़ी हो सके और हम सबको पढ़ने में थोड़ा और मज़ा आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि सादा सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सादा सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए सादा सीमेंट कंक्रीट आपने पता होगा, तो सारी जो सीमेंट बनाई जाती हैं, जैसे फर्श ढालना हुआ आपका, या फिर सड़क निर्माण करना हुआ, या फिर और कुछ हुआ, तो उसमें सादा सीमेंट कंक्रीट का यूज़ हम करते हैं। तो देखिए भवन के निर्माण में, भवन की नींव बनाने में, जैसे देखिए नींव बनाना होता है तो सादा सीमेंट कंक्रीट का ही हम यूज़ करते हैं, और फर्श बनाना हुआ उसमें भी हम वही यूज़ करते हैं। स्तंभ मान लीजिए कोई स्तंभ खड़ा करना हुआ घर का, मान लीजिए स्तंभ है तो जिसपे हमें छत छत लिंटर डालना है, तो नीचे पहले स्तंभ होता है ना, पहले देखो नीचे पाया होता है, नींव होती है, फिर स्तंभ होता है, फिर इसके ऊपर क्या होता है लिंटर डाला जाता है, तब हमारा मकान तैयार होता है। तो ये स्तंभ है, तो स्तंभ के निर्माण में भी हम सादा सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं, और सड़कों एवं आश्रित बाधों के लिए, सड़कों एवं क्या है आश्रित बाधों के लिए, और जहाँ केवल संपीड़न प्रतिबल आते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं सादा सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भार आश्रित लिखा है, तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा भार आश्रित बाधों के लिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 का तो आपने समझ में आया होगा कि हम सादा सीमेंट कंक्रीट का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिए हमने इसमें कोई और ऑप्शन नहीं दिया है, केवल इसमें ये लिख दिया कि हम सादा सीमेंट का यूज़ कहाँ करते हैं। तो यदि आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि संपीड़न प्रतिबल के लिए हम किस सीमेंट का यूज़ करते हैं, सादा सीमेंट या फिर मोटा सीमेंट, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप सादा सीमेंट ही टिक करके आइएगा। और बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कि सीमेंट कंक्रीट के संघटक हैं। तो देखिए सीमेंट कंक्रीट के संघटक हमने बता भी दिया कई बार, बाकी देख लीजिए क्या है, पहला तो सीमेंट होगा ही, दूसरा महीन मिलावा भी होगा, तीसरा मोटा मिलावा भी होगा, और चौथा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा पानी, पानी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका, पानी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब घटक है, तो पानी भी मिलाया जाता है। तो इसमें सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और पानी, यानी इसमें ऑप्शन ई जो है सही है, यानी कि सभी सीमेंट भी मिलाते हैं, महीन मिलाव भी करते हैं इसमें, मोटा मिलाव भी करते हैं और पानी भी मिलाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ई सभी सही हो जाएगा। और महीन मिलाव के रूप में हम बालू का यूज करते हैं अभी अभी हमने बताया, और मोटा मिलाव के रूप में हम किसका यूज करते हैं पत्थर मिट्टी का। तो सारे क्वेश्चन आप याद करते चलिए ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी मिस्टेक ना होने पाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कि सीमेंट साधारणतः सप्लाई किया जाता है। तो सीमेंट साधारणतः सप्लाई करते हैं ऑप्शन ए 50 kg के बोरे में, ऑप्शन बी 100 kg के बोरे में, ऑप्शन सी 70 kg के बोरे में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यार ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आप जैसे सोच रहे होंगे कि हम इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं तो हमको ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या फिर मैकेनिकल के हैं हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सिविल के हैं सिविल वालों को तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उनको हाईवे बनाना या फिर और अन चीज़ का निर्माण करना, तो ये सारी चीज़ें यूज करना ही पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को पढ़ने की ज़रूरत है। देखो इस चैप्टर को पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो जैसे ट्रांसफार्मर मान लीजिए आप निर्माण कर रहे हैं, तो उसका जो बेस बनाएंगे जहाँ पर ट्रांसफार्मर को रखेंगे, तो वो चीज़ें गत्ते का तो बनाएंगे नहीं आप, या फिर लकड़ी का बनाएंगे नहीं, तो वो चीज़ें आप जो बनाएंगे सीमेंट का यूज करके, ईंट का यूज करके, सारी चीज़ें यूज करके आप बनाएंगे ना, तो इसीलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है एज ए इंजीनियर, ताकि जो है मतलब कम से कम खपत में आप सारी चीज़ें कर पाएँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। मैकेनिकल वालों को भी इसी प्रकार से सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, तो इसीलिए आपके लिए चैप्टर आया है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 6 सीमेंट साधारणता सप्लाई किया जाता है।
तो सीमेंट साधारणतः हम सप्लाई करते हैं 50 kg की बोरे में। आप अगर सीमेंट लेने जाते होंगे तो 50 kg का बोरा होता है वो, तो वो 50 kg के बोरे में हम सीमेंट जो है सप्लाई होता है हमारा, और 100 kg का तो होता नहीं है, 70 kg का भी नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई तो होगा ही क्वेश्चन में, तो इसीलिए यहाँ पे 50 kg के बोरे में हम सीमेंट का सप्लाई करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कि महीन मिलावे का सूक्ष्मता मापांक है। तो महीन मिलावे का सूक्ष्मता मापांक मतलब क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 2.5 से 3 के बीच, और बी वाला है कि 3 से 4 के बीच, और सी वाला है 2 से 4 के बीच, और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई ना कोई तो होगा ही, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए महीन मिलावे के रूप में आप जो है सूक्ष्मता मापांक आप याद कर लीजिए कि 2.5 से 3 के बीच होता है, जो सूक्ष्मता मापांक होता है 2.5 से 3 के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद करना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, तो याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसमें कि सीमेंट कंक्रीट को सुघट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट को यदि सुघट बनाना है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सुघट मतलब समझ रहे हो ना, सुदृढ़ कठोर। तो देखिए ऑप्शन ए पानी दिया गया है, ऑप्शन बी पत्थर दिया गया है, ऑप्शन सी चूना दिया गया है, और ऑप्शन डी सभी। तो अभी अभी हमने इसके पहले बताया था कि सीमेंट में यदि ज़्यादा पानी मतलब पानी की मात्रा मिलाएंगे तो उतना ही ज़्यादा कठोर होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा पानी वाला ऑप्शन ए यानी सही हो जाएगा कि जब हम सीमेंट में क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट में जब हम पानी मिलाते हैं तो उसकी जो सुघट्यता होती है, कठोरता होती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि मजबूत हो जाती है। तो पानी मिलाने का यही एक इसमें फ़ायदा है कि अगर इसमें कम पानी मिला देंगे तो सुघट्यता उसकी ज़्यादा नहीं होगी, तो मतलब कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी कहीं भी अगर हम यूज़ करेंगे, तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए सीमेंट कंक्रीट को सुघट बनाने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड हैं। देखिए कंक्रीट जो है मतलब कई टाइप के ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी करके, जैसे हर वैरायटी का कंक्रीट होता है, तो यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि कंक्रीट के कितने ग्रेड होते हैं। तो देखिए पहला ग्रेड होता है M5, दूसरा होता है इसमें M7.5, तीसरा होता है M15, और एक होता है M20। तो ये सारे सीमेंट के क्या हैं, कंक्रीट के क्या हैं, ग्रेड हैं, M5, M7.5 और M15 और M20। तो सारे सीमेंट के क्या हैं, ग्रेड हैं। तो बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको समझ में आया होगा। तो यदि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सीमेंट के कितने ग्रेड होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 होते हैं, बता दीजिएगा। अगर नाम पूछ ले, मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया M5, M7.5, M1.5, M20 और ऑप्शन एक दे दिया कि सभी, तो सभी पिट्टी करके आ जाइएगा। तो इस प्रकार से समझ लीजिए, आपको जानना ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है कि कंक्रीट के सामर्थ्य की यूनिट होती है। देखिए कंक्रीट का जो सामर्थ्य होता है उसका यूनिट क्या होता है, ऑप्शन ए दिया गया न्यूटन पर mm², ऑप्शन बी दिया गया न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी दिया गया किलोग्राम मीटर, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कंक्रीट का सामर्थ्य यूनिट होता है वो हमारा न्यूटन पर mm² होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर mm², तो इसको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या है 11 वाला कि M5 ग्रेड का कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो, यानी कि M5 ग्रेड में कंक्रीट ग्रेड जो मिक्स रेशियो होता है, जैसे सीमेंट और सैंड और क्या कहते हैं इसमें एग्रीगेट्स जो होता है, मतलब इसमें क्या एग्रीगेट्स जो होता है, यानी सीमेंट मिलाए और सैंड मिलाए एग्रीगेट्स मिलाए, तो इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है M5 ग्रेड में, M5 ग्रेड की बात कर रहा है। तो देखिए जो अनुपात होता है आपका, ऑप्शन ए दिया गया है 1.4:8, ऑप्शन बी दिया गया है 1.5:4:8, और बी दिया गया है 1:5:10, सी दिया गया है 1:2:4, और डी दिया गया है सभी। तो देखिए सभी तो होगा नहीं क्योंकि M5 ग्रेड है, तो सभी कैसे हो सकता है, कोई ना कोई एक रेशियो होगा ही जिससे M5 ग्रेड सीमेंट बनता है। तो देखिए वो रेशियो जो हमारा है क्या है, 1:5:10, 1:5:10, यानी कि एक रेशियो में अगर सीमेंट ले, एक भाग सीमेंट लेंगे और 5 भाग क्या लेंगे, सैंड लेंगे, और 10 भाग एग्रीगेट्स लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, M5 ग्रेड का कंक्रीट बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए इस टाइप से क्वेश्चन M5 हुआ या फिर M15 हुआ या फिर M7.5 हुआ, तो इन सब का जो मिक्स रेशियो, ग्रेड मिक्स रेशियो अनुपात है, पूछ सकता है, तो इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर
11 का हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि M 7.5 ग्रेड कंक्रीट मिक्स रेशियो होता है। तो M 7.5 ग्रेड कंक्रीट का जो मिक्स रेशियो होता है सीमेंट का, सैंड का, या फिर हमारा क्या होता है एग्रीगेट्स का, तो उसका जो रेशियो होता क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है 1:5:10, बी दिया गया है 1:4:8, सी दिया गया है 1:3:6 है यहाँ पे, और डी वाला क्या है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो M 7.5 का रेशियो होता है 1:4:8 होता है। क्या होता है दोस्तों 1:4:8 होता है, और 1:5:10 नहीं होगा, और 1:3:6 भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1:4:8 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा है आपको समझ में आया होगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि M10 ग्रेड कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो होता है, यानी कि M10 ग्रेड जो कंक्रीट हमारा है उसका कंक्रीट ग्रेड रेशियो क्या होता है। तो आपको बताना ऑप्शन में, चलिए बताइए फटाफट। पहला दिया गया है 1:5:10, दूसरा दिया गया है 1:3:6, तीसरा दिया गया है 1:5:10, और डी वाला दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए M10 ग्रेड जो कंक्रीट होती है उसका जो कंक्रीट ग्रेड रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों 1:3:6 होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में एकदम से मतलब कोई चूक होने ना पाए। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि M15 ग्रेड कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो होता है। N15 ग्रेड जो कंक्रीट होती है उसका कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो क्या होता है आपको बताना है। तो पहला है 1:2:4, दूसरा वाला है 1:3:6, तीसरा वाला है 1:5:10, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो कोई ना कोई तो होगा ही। देखिए 115 ग्रेड जो कंक्रीट है उसका जो रेशियो होता है दोस्तों 1:2:4 होता है, यानी कि 1:सीमेंट ले वन एक भाग सीमेंट लेंगे, दो भाग सैंड लेंगे, चार भाग क्या लेंगे रिग्रीगेंट्स लेंगे। तो यही सब सारी चीज़ें होती हैं क्या, यही चीज़ें रेशियो होती हैं कि M15 ग्रेड में रेशियो क्या होता है 1:2:4 होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि M20 ग्रेड कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो होता है, यानी कि M20 ग्रेड जो कंक्रीट होती है उसका कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया 1:1:5:3, बी दिया गया है 1:3:6, सी वाला है 1:2:4, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो देखिए M20 ग्रेड रेशियो का जो कंक्रीट हो मिक्स रेशियो अनुपात है याद करना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें एक दशमलव दिया गया है। ऑप्शन ए वाला तो इसमें सही होगा क्योंकि इसमें देखिए एक दशमलव दिया गया है, इसलिए इसको याद करना आपको आसान है 1:1.5:3। तो M20 ग्रेड का जो रेशियो अनुपात है कंक्रीट ग्रेड मिक्स का 1:1.5:3 होता है, और इसको याद करना बहुत ही ईजी है। अगर क्वेश्चन में दे दिया जहाँ पे दशमलव पॉइंट में दिया रहेगा वही उसका M20 ग्रेड का रेशियो हो जाएगा। तो इसको तो आसान करना आपके लिए ईजी हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि M25 ग्रेड कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो होता है, यानी कि M25 ग्रेड जो कंक्रीट होती है उसका ग्रेड कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1:1:2, ऑप्शन बी दिया गया है 1:2:4, ऑप्शन सी दिया गया है 1:4:8, ऑप्शन डी दिया गया 1:3:6। तो M25 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसका जो मिक्स रेशियो होता है वो हमारा 1:1:2 होता है, 1:1:2 होता है। क्या होता है दोस्तों 1:1:2 होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, जितने हमने बताए M25, M20, M15, तो सारे रेशियो सारे ग्रेड के रेशियो को आप याद कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ से देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है थोड़ा सा इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर, तो इसको भी आप इजीली वे में याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा कि सभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेड के सेम होता है, यानी जो सभी जो कंप्रेट जैसे मान लीजिए M20 मान लीजिए हमारा है M20 ग्रेड का जो कंक्रीट है, अगर हम इसका बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो जो इसका M20 जैसे यहाँ पे है तो M20 जो है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जो 20 जो लिखा होता है यहाँ पे तो उसका क्या होता है
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि सभी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेड के समान होता है, तो यहाँ पे जो ग्रेड लिखा है 20, 50 तो ग्रेड के समान होता है। जैसे एज फॉर एम फिफ्टी ग्रेड का 50 होगा स्ट्रेंथ रेशियो, क्या हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा M50 का 50 हो जाएगा, M20 का 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कुछ याद कर सकते हैं, कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं। जैसे माइलेज M25 का पूछा कि कंप्रेसिव रेशियो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताएं, तो जो उसका ग्रेड है माइलेज 25 ग्रेड है तो 25 हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्ञात कर सकते बता सकते हैं याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा 16 तक। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या है कि जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। देखिए जल सीमेंट अनुपात कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार व कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार। ऑप्शन बी दिया गया है कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार व कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार। ऑप्शन सी दिया गया दोनों, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। देखिए जो जल सीमेंट अनुपात होता है वो क्या होता है हमारा दोस्तों कि कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार व कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार क्या होता है। कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार पहले क्या आएगा, जल का भार आएगा, फिर क्या आएगा कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार, फिर इसके बाद सीमेंट का भार आएगा। तो इसका जो अनुपात होगा वही क्या होगा जल सीमेंट अनुपात होता है। क्या होता है दोस्तों जल सीमेंट अनुपात होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 18 की तरफ क्या है कि 18 वाला क्या है कि कंक्रीट एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात से क्या लिखा है, कंक्रीट एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात से कम पानी की मात्रा होने पर उसकी सामर्थ्य होती है, यानी उसकी सामर्थ्य में क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम कंक्रीट में एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात से कम पानी की मात्रा डालते हैं तो उसके कंक्रीट के सामर्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन ए है कमी आ जाएगी सामर्थ्य में, वृद्धि हो जाएगी सामर्थ्य में, अधिक वृद्धि हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने आपको बताया कि जो कंक्रीट का सामर्थ्य निर्भर करता है वो पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। तो अगर जल सीमेंट अनुपात से कम पानी हम कंक्रीट में यूज करेंगे कंक्रीट बनाने में तो हमारा जो कंक्रीट बनेगा उसका जो सामर्थ्य होगा दोस्तों कम हो जाएगा, उसके सामर्थ्य में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और डी बी सी डी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि सीमेंट की जलयोजन क्रिया के लिए कितने प्रतिशत पानी की मात्रा पर्याप्त है। तो सीमेंट की जलयोजन जो क्रिया करनी होती है जलयोजन क्रिया तो उसमें कितने परसेंट पानी की मात्रा होनी चाहिए तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 25 से 30%, ऑप्शन बी 30 से 35%, ऑप्शन सी 35 से 40%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सीमेंट की जलयोजन क्रिया होती है उसमें पानी की जो मात्रा होती है 25% से 30% होती है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा उसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सीमेंट की जलयोजन क्रिया के लिए हमारा 25 से 30% पानी की आवश्यकता होती है, तो एग्ज़ाम में अगर यदि पूछ लेता है तो 25 से 30% पर ही टिक लगाइएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो ला किसने प्रतिपादित किया था। देखिए एक वाटर सीमेंट रेशियो ला होता है जिसके द्वारा हम निश्चित करते हैं कि हमको कितना सीमेंट में कितना वाटर का रेशियो लेना है। तो जो नियम था किसने प्रतिपादित किया था, तो हमारा ऑप्शन है प्रोफेसर अब्राम यानी अमरीका ने, मतलब अमरीका के एक प्रोफेसर थे अब्राम, तो उन्होंने, या फिर डाल्टन ने, या फिर प्रोफेसर लियू ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो लॉ जो प्रतिपादित करने वाले मतलब एक प्रोफेसर कह सकते हैं आप, तो वो थे हमारे अब्राम अमेरिका ने, यानी जो अमेरिका के अब्राम नाम के प्रोफेसर थे उन्होंने इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो लॉ है इसको इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी जितने बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी मतलब ऐसे नहीं क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन देखिए आपके जो टॉपिक बाय टॉपिक हम बता रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें छूट नहीं पाएगा यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आपका समझ लीजिए वाला चैप्टर जो है एकदम अच्छे से तैयार हो गया। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सीमेंट कंक्रीट के मुख्य गुण हैं। तो सीमेंट कंक्रीट के मुख्य गुण आपको बताना है। ऑप्शन नहीं दिया गया सामर्थ्य, ऑप्शन बी टिकाऊपन, ऑप्शन सी स्वीकार्यता, ऑप्शन डी सघनता।
और ऑप्शन ई हमने यहाँ पे डाल दिया सभी। देखिए जो सीमेंट कंक्रीट के मुख्य गुण होते हैं हमारे, सीमेंट में अच्छा सामर्थ्य होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए हमारा सीमेंट सीमेंट कंक्रीट, और उसमें सुकारता अच्छी होनी चाहिए और सघनता भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है सीमेंट कंक्रीट के जो गुण हैं ए बी सी डी यानी चार होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ही हमने एक दे दिया यानी सभी। तो देखिए हमने इसलिए इसको क्वेश्चन को इसलिए हमने ऐसे बनाया ताकि आपसे मान लीजिए पूछ लेगा कि सीमेंट कंक्रीट के गुण हैं टिकाऊपन है, फिर चार पांच ऑप्शन अलग दे मतलब गलत दे देगा तो उसमें टिकाऊपन पे आप टिक लगा दीजिएगा, या फिर सुकारता दे दिया तीन ऑप्शन अलग से दे दिया तो सुकारता पे टिक लगाएंगे, या फिर सघनता दे दिया अलग से दे दिया तीन ऑप्शन सघनता पे टिक लगाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने ना पाए। बाकी 22 देखिए क्या है इसका कि कंक्रीट को तैयार किया जाता है। तो देखिए कंक्रीट को तैयार किया जाता है विधि हमको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया हस्त मिश्रण विधि से, ऑप्शन बी मशीन मिश्रण विधि से, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी ननाबदी। तो देखिए जिस प्रकार से ईट में हमने बताया था ब्रिक में कि ईट को हम हाथों द्वारा तैयार कर सकते हैं, मशीन के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से कंक्रीट भी एक मटेरियल है जो हमारा भवन के निर्माण में या फिर इंजीनियरिंग में हमारा यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसको भी हम हस्त मिश्रण से बना सकते हैं और मशीन मिश्रण से बना सकते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में कि देखिए हस्त मिश्रण का यूज तब करते हैं जब कंक्रीट को कम मात्रा में यूज करना होता है, कम मात्रा में जब हम यूज करते हैं तो हस्त मिश्रण का यूज करते हैं, और जब अधिक मात्रा में यूज करना होता है कंक्रीट को तो हम क्या करते हैं मशीन मिश्रण का सहायता लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंक्रीट जो तैयार की जाती है हस्त मिश्रण और मशीन मिश्रण दोनों विधि से, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर समझ में आया होगा। तो बाकी 23 देखिए क्या है कि जब कंक्रीट कम मात्रा में तैयार करनी हो, कि जब कंक्रीट को कम मात्रा में बनाना हो तो किस विधि का यूज करते हैं, ऑप्शन ए मशीन मिश्रण द्वारा, ऑप्शन बी हस्त मिश्रण विधि से, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब कंक्रीट कम मात्रा में हमें यूज करना होगा तो हम किस विधि का यूज करेंगे, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि ऑप्शन यानी कि मशीन मिश्रण द्वारा। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि साधारण सीमेंट पानी मिलाने के बाद कितने मिनट बाद जमना शुरू हो जाता है। तो देखिए जो साधारण सीमेंट होता है पानी मिलाने के बाद क्या होता है, कितने मिनट बाद जो है जमना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें 40 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सीमेंट हमारा होता है साधारण सीमेंट कंक्रीट, तो यदि हम उसमें जब हम कंक्रीट का निर्माण करते हैं कंक्रीट का, जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं या फिर गिट्टी मिलाते हैं या फिर बालू मिलाते हैं, तो जब हम क्या कहते हैं इसमें कि सीमेंट हमारा जमना प्रारंभ हो जाता है, तो 30 मिनट के लिए हमारे पास जो टाइम होता है 30 मिनट होता है, 30 मिनट बाद क्या हो जाता है ये अच्छे से जम जाता है। तो कहीं भी अगर हमें यूज करना होता है तो हम 30 मिनट तक उसको हम यूज कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि उसको तुरंत बनाया हमने और उसको 30 मिनट तक उसको हम यूज कर सकते हैं, और अगर इसके बाद हमने यूज किया तो क्या हो जाएगा वो जम जाएगा सीमेंट पहले ही, तो मतलब सीमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो समझ सकते हैं आप। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि कंक्रीट को बिछाते समय कितने मीटर से अधिक ऊंचाई से नहीं गिरना चाहिए। जैसे कंक्रीट में मान लीजिए कहीं बिछाना हुआ, जैसे मान लीजिए आपका मकान का लिंटर लगाया जा रहा है तो और उस जगह पर हम कंक्रीट को बिछा रहे हैं, तो उसको बिछाते समय देखिए कितनी मीटर से अधिक ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया 2 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर। यदि आप 1 मीटर से अधिक ऊपर से गिराते हैं सीमेंट कंक्रीट को तो वो मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम 1 मीटर से अधिक ऊंचाई से कंक्रीट को नहीं गिराते हैं। अच्छा अगर 1 मीटर से अधिक ऊंचाई पर गिरा देंगे क्या हो जाएगा, कंक्रीट जो ज़्यादा फैल जाएगा और इसके जो मतलब मिला जो चीज़ मिला होता है उसमें इधर उधर हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसा नहीं करते हम। तो जो एक रेशियो दिया गया होता है एक एज ए इंजीनियर, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमको क्या कैसे करना है ताकि हमारा नुकसान जो है कम हो और हम मतलब कम खर्चे में ही सारी चीज़ों को कर सकें, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि 1 मीटर से अधिक ऊंचाई से हम नहीं गिराएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि कंक्रीट पर कुछ अवधि तक पानी छिड़कते रहना तथा इसे गीला रखने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया तराई करना, ऑप्शन बी धोना, ऑप्शन सी मिश्रण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंक्रीट पर जब हम कुछ अवधि तक पानी छिड़कते रहते हैं
और इसे गीला करते हैं, तो इस क्रिया को हम तराई करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं? तराई करना कहते हैं। आपको पता होगा कि जब आप का जो मकान होता है उस पर जब लिंटर डाल दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है, एक प्रकार से जो बोरी होती है उसको आप गीला करके बिछा देते हैं उस जगह पे। या फिर आप मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई गड्ढे का जो है ढक्कन आप जब बनाते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, बारी बारी क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं कुछ कुछ टाइम में। तो वो जो पानी डालते हैं हम, तराई करना का उस विधि को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तराई करना। और तराई करना देखिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि देखिए जो कंक्रीट होता है, जिस पर जितना ज़्यादा हम उस पर पानी डालेंगे उतना ही वो मजबूत होता जाएगा। इसीलिए हम ऐसा तराई करना वाली जो विधि है इसको हम करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। बाकी जो ना चीज़ें समझ में आए, कमेंट है बॉक्स है आपके लिए बना है, तो कमेंट करिए बताइए कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आया है, तो वहाँ पे हम बताएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए क्या है, सामान्य परिस्थितियों में 6 से 10 मिनट तक की तराई पर्याप्त होती है। तो देखिए एक प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हमने बनाया है, केवल लिख दिया है कि सामान्य परिस्थितियों में 6 से 10 दिन तक की तराई पर्याप्त है, परंतु गर्म मौसम में अवधि 14 से 20 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। आपको याद होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गर्म मौसम में तराई करने की अवधि क्या होती है, 14 से 20 दिन, 6 से 10 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो इस टाइप से आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसीलिए हमने ये पॉइंट लिख दिया कि सामान्य परिस्थितियों में जो टाइम लगता है तराई करने का, 6 से 10 दिन तक पर्याप्त होता है, और गर्म मौसम में क्या होता है, 14 से 20 दिन ले लेता है तराई करने में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन, हम ये नहीं चाहते कि आपसे यार कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, तो इसीलिए सारी चीज़ें हम एकदम नोट करके आपको बता रहे हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 28 दिनों तक तराई करने के बाद कंक्रीट का सामर्थ्य कितना हो जाता है। तो देखिए 28 दिनों तक यदि आप तराई कर देंगे तो कंक्रीट का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, 40% अप टू हो जाएगा, 100% अप टू हो जाएगा, 67% अप टू हो जाएगा, 122% अप टू हो जाएगा। देखिए 28 दिनों तक यदि तराई कर देंगे कंक्रीट पर, तो उसका जो सामर्थ्य हो जाएगा 100% से अप टू हो जाएगा, यानी 100% से ऊपर हो जाएगा। यानी जो हमारा जो भी चीज़ हम बनाएंगे, मान लीजिए हमने किसी गड्ढे का जो है ढक्कन बनाया, तो उस ढक्कन जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, यानी उसमें 100% से ज़्यादा उसमें सामर्थ्य का गुण आ जाएगा, यानी मजबूती उसमें ज़्यादा आ जाएगी यदि हम 28 दिनों तक करते हैं। तो आशा करता हूँ, अच्छा इसी का अगर हम क्या कर दें, इसी का आधा यानी 14 दिनों तक कर दें, तो क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा, आधा कर लेंगे ना, तो 50% आ जाएगा। तो अगर 14 दिनों में पूछ लेता है तो 50% आसमान लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे, अगर 28 दिनों का पूछ लेता है तो क्या कर देंगे, 100% लगा देंगे। तो आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसके पहले के जो वीडियो हो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सारी वीडियोज हमने बना दी है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और मैथमेटिक्स की भी कुछ वीडियो बनाई है, तो उसको भी देख लीजिएगा। और चैनल को ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि जो हमारी फैमिली है थोड़ा सा और बड़ी हो सके, और हमको पढ़ने में थोड़ा सा और मतलब और मज़ा आए। तो देखिए बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।